ये रिसेप्शन एरिया है जो एंट्री है मेन टावर की, और ये इसका वॉशरूम है, बाथ और काफ़ी ग्रीनरी है सोसाइटी में। साथ में आपको एमिनिटीज के तौर पे आपको स्विमिंग पूल, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। सो गाइस, हमारे पास ये 3 BHK फ्लैट आया रेंट के लिए। सो यहाँ से इसकी एंट्री होती है, और ये साथ में ये 3+1 फ्लैट है। ये सर्वेंट रूम या फिर मंदिर पूजा रूम भी बना सकते हो आप, बट यहाँ पे इस रूम के साथ में इन्होंने यहाँ पे एक वॉशरूम दे रखा है अलग से, इंडियन टॉयलेट सीट के साथ में। सो ये बेसिकली सर्वेंट रूम के लिए बनाया गया था, साथ में किचन की यहाँ से डोर अटैच है, यानी किचन के लिए भी आप बालकनी यूज़ कर सकते हो ये वाली। सर्वेंट रूम से निकल के ये आपका पूरा लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम आप बना सकते हो, साथ में ये आपका डाइनिंग हॉल मिल जाता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा स्पेशियस है ये, और ये सब किचन है, एल शेप में आपको मिल जाएगा। अभी वाइट वॉश चल रहा है अभी इसमें, तो ये अवेलेबल हो जाएगा 1 तारीख से, यानी कि 1 सितंबर से। ये इसका सिंक हो गया, सारे चीज़ आपको फिक्स मिलेंगे। ये इसका बालकनी से व्यू है, सामने का आपको ग्वाल पहाड़ी ये दिखती हैं, काफ़ी अच्छा अमेजिंग व्यू है, खेतों का व्यू आता है बालकनी से। सो लिविंग रूम और डाइनिंग हॉल के बाद में रूम आता है फर्स्ट, इसमें आपको वार्डरोब बनी हुई मिल जाएगी, फ़ैन लगा हुआ मिलेगा, लाइट्स मिलेंगी आपको। ये इसकी बालकनी है जो सेम ड्राइंग रूम से आपको दिखती है। तो ये इस वाले रूम की बालकनी और जो सेकेंड रूम है, दोनों की बालकनी अटैच्ड है। ये वाला इसका वॉशरूम है, जो कॉमन वॉशरूम आप यूज़ करोगे, काफ़ी अच्छा है, स्पेस सही है, और आपको वॉश मशीन वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे यहाँ पे लगे हुए। और ये रूम नंबर 2 है, इसमें भी आपको वार्डरोब मिल जाएगा, लाइट्स और फैन आपको मिलेंगे इंस्टॉल्ड ऑलरेडी। ये बालकनी जो फर्स्ट वाले रूम के साथ अटैच्ड है। सो वार्डरोब में एक बार दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ वार्डरोब मिलेगा आपको। और ये वॉशरूम नंबर 2, यानी कि जो इस रूम के साथ अटैच है, गीजर आपको लगा हुआ मिलेगा। और अब आते हैं मास्टर बेडरूम पे। ये मास्टर बेडरूम है, काफ़ी अच्छा स्पेसियस, और ये इसका वॉशरूम है, बाथटब मिलेगा आपको, वॉश मशीन मिलेगी, ठीक है, गीज़र इंस्टॉल्ड है, तो तीनों वॉशरूम में आपको गीज़र इंस्टॉल मिलेगा, और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा फ्लैट है ये। तो अभी ये जो है वाइट वॉश के निशान है, वो सफाई कर रहा है भैया, तो अभी सफाई में लगे हुए हैं। तो ये इसका कारपेट एरिया है बेडरूम का, और यहाँ से बालकनी का व्यू ऐसा कुछ दिखेगा आपको। सो यहाँ पे मिंडा कंपनी है, तो यहाँ पे फ्यूचर में कुछ भी नहीं बनने वाला, यानी कि आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा, ये ऐसे कैसे ही रहने वाला है। सो सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, अभी ये ऐसी आपको लिफ्ट मिल जाएगी इस वाले सोसाइटी में, स्पेशियस है काफ़ी, टोटल 15 फ्लोर हैं। ये रिसेप्शन एरिया है जो एंट्री है मेन टावर की, यहाँ पे ये लिफ्ट लॉबी है, और सामने आप देखोगे तो ये विजिटर पार्किंग है सारी। और जो यहाँ पे रहते हैं टेनेंट या फिर जो भी ओनर रहते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, मतलब जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए पार्किंग बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में है। सो ये सारी विजिटर पार्किंग आपको दिखेगी, ऐसा कुछ सोसाइटी का लुक है बाहर से, और काफ़ी ग्रीनरी है सोसाइटी में। साथ में आपको एमिनिटीज़ के तौर पर आपको स्विमिंग पूल, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, और साथ में आपको 2 आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएंगे, 2 बास्केटबॉल कोर्ट मिलेंगे आपको, लॉन टेनिस कोर्ट मिलेगा आपको, टीटी रूम मिलेगा आपको, स्नूकर्स के 2 टेबल मिलेंगे, जिम मिलेगा आपको जो कि एयर कंडीशनर जिम है। सो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं सोसाइटी में, कार्ड्स रूम है, स्क्वैश रूम भी बना रहे हैं अभी यहाँ पे। सो ऐसा कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। तो ये 3+1 BHK फ्लैट है गाइस, और ये जल्दी ही मतलब कि चला जाएगा, क्योंकि बहुत टेनेंट इसके पीछे हैं। आप ही कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सअप करोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए, बिकॉज बहुत कॉल्स आते हैं। सो व्हाट्सअप करना, प्राइस आपके कोई मतलब कि रेंट कितना है, क्या मेंटेनेंस है इसमें, और साथ में क्या फैसिलिटी मिलती है सोसाइटी में, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले बढ़िया से वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।